जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा है। पानी की किल्लत से परेशान एवं रोजगार गारंटी का कार्य शुरू करने ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। धमतरी जिला मुख्यालय से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम पंचायत मुड़पार के आश्रित ग्राम सकरवारा में इन दिनों पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। सुबह शाम को गांव की महिलाओं को खाली बर्तन लेकर इधर उधर भटकते आसानी से देखा जा सकता है। वहीं नल जल योजना के तहत जिस बोरवेल से गांव में पानी की सप्लाई किया जाता था, उसमें भी जल का स्तर नीचे चले जाने से बूंद भर पानी नहीं निकल रहा है, जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य स्वीकृत तो है, लेकिन तकनीकी परेशानी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है, जिसे दूर कर जल्द ही कार्य चालू करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इस पर अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने उचित कार्यवाही करने के आश्वासन दिए हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है, ग्राम पंचायत मुड़पार के आश्रित ग्राम सकरवा से रहता हूँ। आज हमारे समस्या लेकर आए हैं कि मनरेगा कार्य हमारे गांव में नहीं चल रहा है, जो कि 3 कार्य स्वीकृत हुआ है। एक वन परिक्षेत्र माने कांस से रुका हुआ है और मुड़पार में 2 कार्य है जो सीमांकन कांस से रुका हुआ है। और पानी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, जो कि जिस बोर से हम लोग पानी भरते हैं वो बोर का पानी बोर ख़राब हो गया है, जिसे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वही आवेदन लेके कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि इस समस्या का निदान करें। करते हैं क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द जल्द ये कार्य भी प्रारंभ हो जाए और पानी का समस्या खत्म हो जाए। मांग पूरा नहीं होगा तो फिर पुनः आवेदन देंगे और जन आक्रोश में जाएंगे। फिर मैं रेख राम सिन्हा ग्राम सकरवारा से हूँ, ग्राम पंचायत मुड़पार आश्रित ग्राम सकरवारा। क्या समस्या लेके आए? ये समस्या है मरेगा के तहत हम लोगों को काम चाहिए, या तो काम नहीं मिलेगा तो हम लोगों को मजदूरी भत्ता चाहिए। हमारा जनसंख्या है 200 और ग्राम सकरवारा में पानी पीने का साधन भी नहीं है, सब बोर का लेवल डाउन हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि अति शीघ्र नया बोर खुदाई करके आम पब्लिक है उसको पानी चाहिए। पानी का दमे समस्या बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम कलेक्टर से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा समस्या का जल्द से जल्द कार्रवाई करें। समस्या का समाधान कैसे करेंगे? समस्या का अगर हम लोगों का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे। भजन भाई, क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है पानी के मरंगन के काम पर हमारा रोजगार सह का काम नहीं देते। हम अना सब बैठे हैं और स्कूल के बारे से लड़का मना सब थारी धर धर के बाहर में धोल जाती, स्कूल में पानी नहीं है, ये समस्या है अभी हमारे गाँव। और काम जरूरी है और पानी जरूरी है, बस पानी सब लड़का मन थारी धर धर के बाहर में जाते पानी पर। जी हाँ, मुड़पार में करीब करीब 6-7 कार्य स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक कार्य अप्रारंभ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की शिकायत पत्र जनरेशन प्राप्त हुई है। उक्त पत्र को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी को मार्क किया गया है आवश्यक कार्यवाही हेतु, और इस पर कार्रवाई की जाएगी और यथाशीघ्र स्वीकृत कार्य प्रारंभ कराई जाएगी। सर, वहाँ पानी की भी समस्या बनी हुई 3-4 साल से, वो AEPSG को भी मैंने मार्क किया हुआ है, वहाँ पे जांच करेंगे। पॉपुलेशन और एग्जिस्टिंग हैडपम्प की एक रेशियो होती है, ग्रामीणों को पेयजल की पर्याप्त मात्रा नहीं प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पे बोर खुदाई की कार्य की जाएगी।